खूबसूरती की कोई कमी नहीं। और आज हम एक ऐसी जगह आए हैं महादेव के मंदिर में जहाँ पे बाजीराव का जन्म हुआ था, वो जगह है सिन्नर। और यहाँ पे एक खूबसूरत मंदिर है शिव जी का जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह है गोंदेश्वरी टेम्पल। तो गोंदेश्वरी मंदिर का जानकारी बताए, चलो आ जाओ इतिहास के पन्ने के साथ आपको मंदिर घुमा, आओ मेरे साथ। जी हाँ दोस्तों, ये वही जगह है सिन्नर जहाँ पे बाजीराव का जन्म हुआ था। जी हाँ, जो फिल्म आपने देखी थी, जी हाँ उन्हीं का जन्म यहाँ हुआ था। तो ये जो सिन्नर है ये नासिक के पास है, ये पड़ता है आपका NH 160 पे। तो जब भी आप शिरडी की तरफ जाओगे तो आप सिन्नर आना, और सिन्नर से ही जाओगे शिरडी जाओगे तो आप यहाँ ज़रूर विज़िट करना। अब हम लोग चलिए मंदिर में प्रवेश करते हैं। यह है मुख्य द्वार। मुख्य द्वार से जैसे हम अंदर आ रहे हैं, ये देखिए आप कितना प्यारा दिख रहा है। देखिए यह है कुर्मा अवतार। कुर्मा अवतार मीन्स टोटल कछुआ। विष्णु जी ने जो कछुआ का अवतार लिया था, ये कब लिया था? समुद्र मंथन जब हुआ था, दानवों को जब मिला था, और फिर विष्णु भगवान मतलब देवों में और दानवों में ये युद्ध चलने लगा था कि अमृत कौन पिएगा, तब। चलिए अब चलते हैं मेन मंदिर में। ये देखिए हर हर महादेव। ये देखिए कितना पुराना है ये, हर दिन यहाँ पूजा होती है, डेली यहाँ लोग आते हैं, बाहर काफ़ी भीड़ है, स्टूडेंट लोग भी आए हैं, कॉलेज के बसेस भी आते हैं। ये देखो आप कितनी प्यारी कार्विंग करी गई है, ये देखिए छत पे। कितना खूबसूरत, जैसे आप अंदर आएंगे ये जो पिलर आप देख रहे हैं, ये पिलर आप देखिए, ये कितनी प्यारी, देखिए इस पर पूरा कार्विंग करी गई है। ये जो टेंपल है ये दक्कन नागर स्टाइल में बनाया गया है, इसे बनाया था यादव डायनेस्टी द्वारा। इन्हें किसने बनाया था? इन्हें बनाया था राव गोविंद जी ने बनाया था। ये देखिए ये बाहर जो है मंदिर के साइड में, जैसे हम बाहर निकलते हैं, यह मंदिर है विष्णु जी का। ये देखिए उस कोने में भी आप देख सकते हैं, तो ऐसे चारों तरफ मंदिर है। आपको मैं इस तरफ भी दिखाता हूँ, इस तरफ देखिए, ये जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं ये है सूर्य मंदिर। ये छोटा सा मंदिर जो आप देख रहे हैं ये है सूर्य मंदिर। तो शिव जी का मंदिर बीच में है और उसके चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर है, चलिए वो भी देखेंगे हम। मतलब फिश के आकार का, अरे यार बाहर आता है और फिर यहाँ से नीचे बाहर निकलता है। चलिए आगे। यहाँ पे आप देख सकते हो बेहतरीन आर्किटेक्चर, ये आप देखिए 12th century में। इसमें अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ सबसे मोटा, फिर ये ऐसा छोटा 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 ऊपर की तरफ गया हुआ है। तो ये मंदिर जो बना गया है दोस्तों, ये दक्कन नागर स्टाइल में बना गया है, यानी कि पत्थर के ऊपर पत्थर रख के आप देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ आओगे तो पक्का बोलोगे वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दक्कन नागर स्टाइल आर्किटेक्चर। आप सोच सकते हो उस समय कितना टाइम लगा होगा। ये देख सकते हो आप नीचे हाथी हाथी सब रखे हुए हैं। और ये जो मंदिर है ये पार्वती मंदिर है। और ये जो मंदिर है ये है गणेश जी का मंदिर। इस मंदिर को बनाया था राव गोविंद जी ने। तो इस मंदिर का नाम था गोविंद ईश्वर मंदिर। समय के साथ इसका नाम बदलता गया और अब इसका नाम हो गया गोंदेश्वर मंदिर। बहुत हो गया सीरियसनेस, अब थोड़ा मस्ती भी हुआ जाए। ये आप देख सकते हो आसमान और ये धरती, वो सामने जल देखो और वायु दिखेगा नहीं ना भाई मेरे, वायु को आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। जो मंदिर का दूसरा द्वार है ना, वहां से अगर आप आते हो ना अंदर, तो आप ये देख सकते हो यहाँ का व्यू, देखिए कितना प्यारा है। चलिए आप चलते चलते मैं आपको बताता हूँ, ये जो दक्कन नागर स्टाइल मंदिर होता है ना, इसमें क्या होता है ना कि ये लोग जो है ना सीमेंट वगैरह का यूज नहीं करते। तो ये जो मंदिर होता है
इसको ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सबसे नीचे बड़ा पत्थर, फिर उस पर छोटा, फिर सबसे छोटा, ऐसा रख के इसको बनाया गया जाता है, कार्विंग करी जाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ से व्यू देखिए कितना प्यारा है, 12th century, ऑलमोस्ट 1000 साल पहले, इतना पुराना मंदिर हो गया ये, धरोहर है ये देश की। तो जब भी आप यहाँ से जाए कृपया यहाँ पर ज़रूर आए, और आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। हर हर महादेव।